हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेब टेक इन वेब चैनल। तो आज का हमारा एजेंडा है बटन्स कंपोनेंट को कवर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत कलरफुल बटन दिए गए हैं। बटन बनाने के लिए हमें बटन टैग लेना होता है और इस पर हमें क्लास लगानी होती है btn, देन btn-color का नेम। ओके, इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो इस क्लास को आप एंकर टैग और इनपुट पे भी यूज करके उसे एज अ बटन बना सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो आउटलाइन बटन है। ओके, हम ये भी क्रिएट करके देखने वाले हैं। देन यहाँ पे आपको साइजिंग के लिए भी क्लासेस मिल जाती हैं, btn-lg और btn-sm। डिसेबल्ड एट्रीब्यूट आप लगा के डिसेबल्ड कर सकते हो और यहाँ पे आप ब्लॉक लेवल बटन भी बना सकते हो। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने VS कोड में और क्रिएट करते हैं इन सभी बटन्स को। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले लेना है बटन टैग और यहाँ पे हमें क्लास लगानी है btn-color का नेम। मैंने ले लिया प्राइम की और यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख देते हैं बटन। ओके, और हम इसे मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। प्राइमरी के बाद हमारे पास कलर आता है सेकेंडरी। सेव किया, सबसे पहले हम इसे रन कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा बटन्स। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे इतने सारे बटन आ रहे हैं, हमने सिर्फ दो ही कलर दिए हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो चलिए और सभी को कलर अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हमने किया डेंजर, वार्निंग, सक्सेस, इन्फो और यहाँ पे हमने किया लाइट और यहाँ पे हमने किया डार्क। एक एक्स्ट्रा हो गया, मैं रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पे हम कमेंट लिख देते हैं। मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ फील्ड बटन या फील्ड बटन या डिफ़ॉल्ट बटन कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट बटन। ओके, मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी देख सकते हो आप, ये जो हमारे बटन्स हैं वो कलरफुल आ चुके हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेंसर, वार्निंग, सिस, इन्फो, लाइट और ये डार्क। इसके अलावा हमने देखा था आउटलाइन बटन, तो आउटलाइन भी देख लेते हैं। आउटलाइन बटन कैसे क्रिएट करना है हमें, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले कमेंट लिख लेते हैं आउटलाइन बटन्स और यहाँ पे एक मैं ट्यूब ले लेता हूँ और इस ट्यूब के अंदर हम इन सारे बटन्स को कॉपी कर लेते हैं। पेस्ट किया हमें, इस पर हम क्लास लगा लेते हैं एम्प्टी। इस पर क्लास लगा दिया MT3, मार्जिन ले लेते हैं टॉप से। और आउटलाइन बटन के लिए क्या करना है, इस btn के आगे हमें लगा देना है आउटलाइन। आउटलाइन बटन के लिए हम लिखते हैं btn btn-outline-color का नेम। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने सबसे पहले लिखा btn, देन btn-outline और उसके आगे हमने अपेंड कर दिया कलर का नेम। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो ये देख सकते हो आप, ये हमारे आउटलाइन बटन भी क्रिएट हो चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था साइजिंग की क्लासेस, बटन की साइज कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ साइजिंग क्लासेस। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, इसे कॉपी किया मैंने, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। बस दो तीन बटन ही रखते हैं, बाकी रिमूव कर देते हैं। ओके, तो साइजिंग के लिए हमें क्या क्लास लगानी होती है, अगर आपको लार्ज बटन चाहिए तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं btn-lg क्लास। मीडियम के लिए कोई भी क्लास नहीं ऐड करनी होती है और स्मॉल के लिए हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं btn-sm क्लास। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो ये देख सकते हो आप, ये हमारा लार्ज बटन है, ये मीडियम है और ये हमारा स्मॉल बटन है। ओके, इसे आप डिफ़ॉल्ट बटन पे भी ऐड कर सकते हो। आउटलाइन हटा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये हमारा जो है कि btn प्राइमरी बटन है, आउटलाइन हमने हटा दिया है। ओके, इसके अलावा हमने देखी थी यहाँ पे डिसेबल्ड एट्रीब्यूट आप यूज करके इसे डिसेबल्ड कर सकते हो। मैं किसी एक पे डिसेबल्ड लगा देता हूँ, हमने यहाँ पे कर दिया डिसेबल्ड। सेव किया हमने, रिफ्रेश करते हैं। तो ये देख सकते हो आप, ये अब डिसेबल्ड हो चुका है, हम इस पर क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। ओके, इसके अलावा ब्लॉक लेवल बटन बनाने के लिए क्या करना है हमें, चलते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले एक ट्यूब लेते हैं और इस पर हम क्लास लगा देते हैं डिस्प्ले ग्रिड। ओके, ये क्लास डिफाइंड है, बिल्ट इन क्लास है बूटस्ट्रैप में। और यहाँ से हमने कॉपी किया एक बटन और इसके अंदर हमने पेस्ट कर दिया।
सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो ये देख सकते हो आप, ये जो हमारा बटन है वो ब्लॉक लेवल आ चुका है। ओके, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम ले लेते हैं इन्फो, btn इन्फो बटन, और स्मॉल नहीं करते हम, इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। रिफ्रेश किया तो ये देख सकते हो आप, ये हमारा जो है कि मीडियम बटन आ चुका है btn इन्फो। और गैप देने के लिए यहाँ पे गैप क्लास भी है, गैप 2 या गैप 1 सेव किया हमने, और मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देख सकते हो आप, दोनों के बीच गैप आ चुका है। ओके, तो इस तरीके से आप ब्लॉक बटन्स को भी क्रिएट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।